आचार्य परम पूज भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज महामना प्रमा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की दीप पूजन करें। दीप पूजन करके इस सभा को ज्योत्सना प्रदान करेंगे हमारे अतिथिगण। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीपकम, सकल लोक सुखा करम उज्ज्वलम, तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा, किल धरामि सुमंगल कम मुदा। ओम ह्रीम दीपजन क्रोमिति स्वाहा। कार्यक्रम भक्तजनों कितने सुख अच्छा है जीवन के हमारे, जबकि आपके यहाँ गुणायतन पुण्यता परम पूज मुनिराज प्रमा सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है, ये आपके सौभाग्य क्षण है। कहाँ गुणायतन और कहाँ जो है सायपुरा का भोपाल क्या है क्षेत्र, यहाँ विराजमान है साक्षात परम पूज गुरुदेव, जो गुणायतन की प्रणेता, संघ का समय प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेषण के रूप में जगत विख्यात है, जिनकी सुमधुर वाणी को सुनकर के आप हम सब ही नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी दैनंदिनी को उज्ज्वलतम कर पा रहा है और अपने जीवन के समाधानों को प्राप्त करके जीवन को धन्य कर रहा है। माध्यम बन रहे हैं पारस चैनल, जनवाणी चैनल में प्रमाणिक ऐप, इनके माध्यम से अपने जीवन को हम उत्तरोत्तर गति प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके इन शुभ क्षणों की सराहना करता हुआ उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने अपने आप को आज गुणातन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। सूत वाला परिवार से श्रीमान नीरज कुमार जी, सुनीता जी जैन, हर्षल शाह, रोहिल हर्षल जैन, साय राहिल जैन, सूत वाला परिवार भोपाल आ जाएं और गुरुदेव चरणों में अपना नाम नमन अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान करने के लिए साधन आमंत्रित हैं अनुपम जी पंडित, अतुल जी जैन पूर्व PCCA भोपाल एवं डॉक्टर संजीव जी जैन, सम्मान करने के लिए आ जाएं। सीख जल्दी करें, इनका सम्मान करेंगे गुणायतन के प्रतीक चिन्ह को प्रदत्त करके। श्रीमान नीरज आपकी तालियां लगातार बजती रहें, ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने गुणायतन से अपने आप को ट्रस्टी को भी संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। भावना ये भाते हैं कि आप सब भी गुणायतन के ट्रस्टी बन करके गुणायतन में अपना अवदान प्रदान करके अपने जीवन को धन्य करें। आज हमारे बीच में डॉक्टर अशोक कुमार जी वासणी जी आ जाए, नीरज जी परिवार, नीरज जी सुनीता जी परिवार, नीरज जी सुनीता जी, हर्षल जी, राहिल जैन, सुतला परिवार, जिनके सम्मान में आपकी तालियां लगातार बजती ही रहनी चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके आज ट्रस्टी के रूप में संबद्ध किया है, आने वाले दिनों में निश्चित ही गुणायतन की श्रोमणी सक्षम बन करके अपने जीवन को शीर्षस्थ प्रदान करेंगे। और इसी क्रम में मैं सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, सौभाग्य के समय क्षण हमारे ये भी हैं कि आज हमारे बीच में आरोग्य भारती से डॉक्टर अशोक कुमार जी वासणेय जी, पूर्णकालिक प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती, इनके सम्मान में आपकी तालियों की गड़गड़ाहट इस सदन में गूंजनी चाहिए। साथ ही इनके साथ श्रीमान मिहिर कुमार जी जैन कार्यालय प्रमुख भी हैं आरोग्य भारती के, वे भी गुरुदेव चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए समाज के अध्यक्ष श्रीमान दीप जी जैन, महामंत्री संतोष जैन को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए और वासणेय जी एवं मिहिर जी का सम्मान करके उनके सम्मान में अपने भाव अर्पित करें। सीखता कीजिए, आ जाइए वासणेय जी, वासणेय जी पहुंचे गुरुदेव के शरण चरण में नमन अर्पित करने के लिए। वासणेय जी आइए, हमें ऐसे व्यक्ति जब हमारी सभा में विराजमान होते हुआ करते हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने के लिए अपनी करतल ध्वनि निरंतर करते रहना चाहिए। आज गुरुदेव चरणों में ये अपने प्रणाम निवेदन करके जीवन को धन्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम का सम्मान करके हर्षित हो रहे हैं। गुणातन परिवार भी हर्षित हो रहा है, दिगम्बर जैन समाज साहेबपुरा भी हर्षित हो रहा है, श्रीमान दीप जी जैन एवं श्रीमान समाज के महामंत्री संतोष जी जैन को सम्मान कर रहे हैं। ऋषभ जी दिवाकर साहब जो गौरव जैन समाज के पूर्व DGP ग्रुप में हमारे समाज में विराजमान है, जिनके जिनके हम जिनसे मिलकर के हर्षित हुआ करते हैं, दिवाकर जी साहब आए सम्मान करने के लिए वासणेय जी का, और आपकी तालियां सम्मान के रूप में निरंतर बजती रहनी चाहिए। आज अपने बीच में अशोक जी यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, तो वो पूज्य महाराज श्री डिजिटल कामलो से साहित्य अपने हाथों में ले रहे हैं, गुरुदेव का साहित्य प्राप्त करके हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। श्रीमान मिहिर जी साहब भी और अब मैं
अधिक विलंब न करता हुआ आज की अतिथि पूज्य महाराज श्री जी के कर कमलों से साहित्य ग्रहण करते हुए और अब मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से परम पूज्य संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव इस कार्यक्रम गति प्रदान करके हम सबकी शंकाओं के समाधान करने में कारण बने नमोस्तु महाश्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपके ही शाहपुरा के गुरु भक्त हैं सभी लोग हैं डॉक्टर संजीव जी जैन डॉक्टर तृप्ति जी जैन वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रख रहे हैं जिनका नाम मैं बोलूं वहां तक माइक शीघ्र पहुंचा दें ताकि वो अपना प्रश्न रख सके और आज अपने बीच में बाहर से भी यहाँ पर काफ़ी लोग हैं आशीष जी जैन दिल्ली उनको भी निकलना भी है जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के वे अपना प्रश्न रखेंगे तैयार रहेंगे उनकी फ्लाइट भी यहाँ। एक संसारी व्यक्ति अपने परिवार के लिए बच्चों के लिए कर्तव्य निभाते रहता है उस समय वह चाहते हुए भी धर्म ज्ञान स्वाध्याय के लिए कम समय दे पाता है और जब उसकी जिम्मेदारियाँ पूरी होती है तो धार्मिक कार्य दान पुण्य मुनि सेवा में समय देते हुए मोक्ष मार्ग पे जाना चाहता है लेकिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है ऐसा क्यों होता है महाराज जी शंका का समाधान देखिए यही तो होनी है यही संसार की नियति है आदमी जिंदगी भर योजनाएं बनाते रहता है लेकिन उसके पल का ठिकाना नहीं रहता इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को हमें ठीक करनी चाहिए हम सांसारिक दायित्वों से मुक्त होने के बाद परमार्थ में लगेंगे तो न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी जहाँ हो उसी भूमिका में जीते हुए जितना बन सके उतना करो तो अपने जीवन का उद्धार कर लोगे क्या पता किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए इसलिए कोई पता नहीं हमें हर पल सावधान रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आशीष जी देन जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के हैं अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे यहाँ का पाठशाला परिवार शाहपुरा के पाठशाला परिवार के सभी सदस्य महिला मंडल भी शिक्षिका मंडल भी और बाल मंडल भी गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मंदिर जी की नींव रखने का क्या महत्व होता है मंदिर जी की नींव रखने का क्या महत्व होता है देखिए मंदिर एक धर्मायतन आपका सवाल है मंदिर जी की नींव रखने का क्या फल सबसे पहली बात मंदिर है क्या एक धर्मायतन ऐसा आयतन जहाँ जो भी आएगा केवल पुण्य करेगा पाप नहीं ओ जो भी आएगा केवल पुण्य करेगा पाप नहीं करेगा तो उस पुण्य के आयतन की नींव रखने वाले महापुण्य के भागी होंगे कि नहीं होंगे जब तक वो जिनालय है उस जिनालय में जितने लोग आकर पूजा अर्चा करके पुण्य लाभ ले रहे हैं उनका एक हिस्सा उस व्यक्ति को प्राप्त होगा इसलिए कहीं ऐसे मौके हो तो अच्छे कार्य में जितना बन सके अपना योगदान देना चाहिए। अगला बोलिए पाठशाला परिवार वाले अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी यहाँ की महिला मंडल शाहपुरा की जिनके शंका समाधान से मिलती है सबके मन को शांति जिनके भावना योग की सर्वत्र फैल रही है कांति ऐसे मुनि प्रमाण सागर जी सहित दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु सभी शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी लोहा नरम होकर औजार बनता है और सोना नरम होकर जेवर बनता है और जो मतलब मिट्टी है वो नरम होकर खेत बनती है और आटा नरम बनकर रोटी बनती है तो मेरे इससे संबंधित दो प्रश्न हैं एक कि हम लोग कैसे इतने नर्म बने नहीं उसी बच्चों का हाँ, बोलो बोलो कैसे इतने नर्म बने कि हम अपना स्वाका और पर का कल्याण कर सकें और हम सब पाठशाला की शिक्षिकाएं अपने बच्चों को कैसे इतना नम्र बनने की शिक्षा दें ताकि वो अपने माता पिता एवं बड़ों के साथ नम्रता पूर्वक व्यवहार कर सके कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नम्रता के बारे में आपने पूछा हम नम्र कैसे बने है ना तो नम्र बनने के लिए मैं आपसे इतना कहूँगा आपने मिट्टी को नम होते देखा है देखा है मिट्टी नम कब होती है जब उसमें पानी पड़ता है केवल पानी पड़ने से नहीं मिट्टी में गुण होता है पानी को ग्रहण करने और मिट्टी जब पानी को ग्रहण करती है तो वो नम हो जाती है ऐसे यदि हम गुणों को ग्रहण करना शुरू कर देंगे नम्रता अपने आप आएगी गुण ग्रहण का भाव हम रखें
और गुणियों का बहुमान करना सीखे, अपने जीवन में नम्रता आ जाएगी। बस एक ही सवाल है, बैठ जाइए। यहाँ पर लगभग दो तीन महिला मंडल हैं, महिला मंडल वाले एक साथ अपने साथ अपने स्थान खड़े हो जाए, एक प्रश्न उठा ले जल्दी से। बच्चों बैठ जाओ, पाठशाला के सभी बच्चे बैठ जाएंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। ट्रस्टी सुखी से मनिया से प्रकाश सोनम शुभम जैन बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न है कि पुण्य कर्म करने से पाप कर्मों का संक्रमण हो जाता है, पर हम देखते हैं कि सुकुमाल मुनि सुकुशल मुनि ये तो इतने आत्म ध्यान में लीन थे, पुण्य कर्म कर रहे थे, फिर भी उन पर उपसर्ग आया, तो उनके पाप कर्म का संक्रमण क्यों नहीं हुआ? देखिए महापुरुषों के जीवन में भी बड़ी बड़ी आपत्तियां आती है, विपदाएं आती, समझ गए? ऐसा मत सोचना कि महापुरुषों के जीवन में कष्ट नहीं आता। कष्ट से तो महापुरुषों के महापुरुष पनवा का प्रमाण मिलता है। हर महापुरुषों का जीवन संघर्ष में दिखता है। अब आप कहोगे कि उनका पाप पुण्य में परिवर्तित क्यों नहीं हुआ? अरे पाप पुण्य में परिवर्तित क्या हुआ, उनका संपूर्ण जीवन पुण्य में हुआ, इसलिए तो आज हम उनका पुण्य स्मरण करते हैं। तो बहुत छोटी, वो पाप पुण्य से मुक्त हो गए, ऊपर चले गए, सिद्धत्व को प्राप्त कर लिए। हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि अवे के आँच में तपे बिना मिट्टी घट का आकार रूप नहीं लेती। अवे के आँच में तपे बिना मिट्टी घट का रूप नहीं ले पाती। संघर्ष और तपस्या किए बिना जीवन का सही उत्थान नहीं होता। और जो धर्मी लोग हैं उनके जीवन में यदि विपत्ति आए तो उन्हें इस बात से विचलित नहीं होना चाहिए, उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि उपसर्ग और परेशानी साधुओं के ऊपर होती है, डाकुओं पर नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, बेश्याओं की नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं, समझ गए? इसलिए मजबूत है। नमस्ते महाराज जी। प्रकाश सोनम शुभम जैन सुखी सिमनिया और उसके बाद में आज अपनी इस सभा में बहुत सारे यूपीएससी के जो है चयन में उत्तीर्ण होकर कुछ पदों पर आज आसीन हैं, जो जैन धर्म की प्रभावन कर रहे हैं। एमपीपीएससी समीक्षा जैन डिप्टी कलेक्टर, मैं नाम बोल रहा हूँ, एक प्रश्न करेंगे। आयुष जैन डिप्टी कलेक्टर, सम्यक जैन सहायक संचालक खाद्य एवं नागरिक जिला आपूर्ति, फिर ओसो उत्कर्ष सहायक संचालक, बाहुबली जैन, पंकज जैन, संक्षेप जैन और जवीन पाल, ये सभी असिस्टेंट रेजरी ऑफिसर हैं। आप लोग जोरदार तालियों से इनकी साजिश अभिनंदन कर दें। ये लोग सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक प्रश्न कर लेंगे। श्रुति जैन नायब तहसीलदार, वे भी अपने स्थान पर इनके साथ में खड़े हो जाएंगे। हाँ, चलिए ताकि इन सब उनका हो जाए। हाँ बोलिए। नमोस्त महाराज जी। एक पंक्ति है कि परिंदों को नहीं दी जाती ताली उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। फिर से। परिंदों को नहीं दी जाती ताली उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम परिंदों से भी क्या गुजरे हैं कि जरासी निराशा हासिल होने पर हताश हो जाते हैं, तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि परिंदों की तरह लंबी उड़ान भर सके खुले आसमान में? देखो, परिंदों की तरह लंबी उड़ान हम भी भर सकते हैं, बशर्ते हम परिंदों जैसा जीवन जिए। परिंदों की एक विशेषता होती है कि वे अपने नैसर्गिक गुणों को धारण करते हैं। प्रकृति सुलभ जो उड़ान भरने की उनके पास क्षमता है, वे केवल उसको ही विकसित करते हैं। वे इधर उधर नहीं देखते, दूसरों की नकल नहीं करते। पर इंसान है वह अपने प्रकृति सुलभ प्रतिभा को भूलकर अपनी कुंठित महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक अनेक रास्ते चुनना शुरू करता है, और कभी कभी वो ऊंची छलांग लगाने की भी कोशिश करता है, जो हनुमान कूद बनती है, कमर टूटती है, अवसाद से भर जाता है। मनुष्य को अपने जीवन का स्थायी उत्कर्ष करना है तो उसे अपने जन्मजात नैसर्गिक गुणों को आत्मसात करके चलना चाहिए और उनमें निखार लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और एक बात बताऊं,
परिंदों को उड़ान भरने की भले जन्मजात प्रतिभा होती है, लेकिन फिर भी उन्हें उड़ान सिखाया जाता है उनके माता पिता के द्वारा, देखा होगा आप, और वो सीखते हैं और नित्य उसमें विकास करते हैं। हमारे अंदर भी ऐसे सीखने की भावना होनी चाहिए और परिष्कार करना चाहिए, तो ये दुविधा खत्म हो। एमपीपीएससी के ये प्रतिभावान प्रतिभाएं अपना प्रश्न रख रही हैं, और उसके बाद में आज अपनी इसे संकट समाधान के सत्र के मुख्य अतिथि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के डॉक्टर अशोक कुमार जी वासनी यहाँ पर उपस्थित है, जोरदार ताली से उनका स्वागत अभी करने में तैयार है। पहले अभी डॉक्टर साहब दो मिनट, अभी डॉक्टर साहब बैठे दो मिनट, हाँ आप लोग बोलिए। मुनिवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मुनिवर, हम सब अभी एमपी शासन में चयनित अधिकारीगण हैं। हमारा प्रश्न आपसे यह है कि रोजगार संबंधी विकल्प हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम जीवन साथी का चयन करने में बहुत शंका करते हैं, तो हम अपने जीवन साथी के चयन में नौकरी को प्रेफरेंस दें या गृहस्थ जीवन में हम सामान्य जीवन साथी का चयन करें? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार अभिनंदन सबका करें, और आप सबसे पहला संदेश तो मैं ये दूंगा कि आप प्रशासकीय सेवा में चयनित हुए हैं, तो अब ये ध्यान रखना, सेवा के संकल्प को सदैव सामने रखकर चलना जिसके लिए चयन हुआ, ठीक। अब रहा सवाल अपनी आगामी पारी कैसे हो, प्रायः नौकरी वालों को नौकरी वाली ही पसंद आती है, तो ये तुम्हारी जो पसंद है वो तुम जानो, लेकिन तो मैं ये कहूँगा अगर एक अच्छा जीवन साथी चाहिए तो उसको चुनो जो तुम्हारे विचारों के अनुकूल हो और जो तुम्हारा पूरक और प्रेरक बन करके जाए, समझ गए। और केवल अर्थ को प्रमुखता दो तो वही हो करोगे तुम जो सब करते आए, मैं अपनी सील क्यों लगाऊं। गृहस्थी के निर्वाह के लिए जो आवश्यक और अपेक्षित है उसे चुनना चाहिए, लेकिन अनुभव सिद्ध बात यह है कि जो दंपति दोनों नौकरी पेशा में रहते हैं वे अपने बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते, कठिनाइयाँ होती, कुछ लोग अपवाद स्वरूप देते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोनों नहीं दे पाते। इसलिए अगर अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देना है तो इन बातों को ध्यान में रखो, और हो सकता है ये अनुभव तुम्हें अपने माँ बाप के संस्कारों से भी मिला होगा, तो उसे देख कर चले। मैं जानता हूँ ये लोग सभी अलग अलग प्रश्न करना चाहते हैं, लेकिन समय सीमा का अभाव है। नमोस्तु महर्षि, कि महर्षि जब हम शासकीय सेवा में कर्तव्य पथ पर कार्य करते हैं तो कभी कभार धार्मिक क्रियाएं महर्षि नहीं हो पाती हैं, कभी कभार हम उनसे वंचित रह जाते हैं जब हम शासकीय कर्तव्य पर कार्य करते हैं, तो महर्षि धार्मिक क्रियाएं या धर्म है और हम अपने कर्तव्य को कैसे सामंजस्य करें? सबसे पहला तो अपने शासकीय सेवा और कर्तव्य को ही अपना पहला धर्म मानो, जो हमारा प्रोफेशन रिलेटेड धर्म है उसे आप केवल सर्विस मत मानिए, उसे धर्म मानिए, और इस बात का संकल्प कीजिए कि ऐसा कार्य करते हुए मैं अधर्म नहीं करूँगा, और अधर्म नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म, उसे गांठ लेना। फिर प्रतिदिन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, साप्ताहिक तो कर सकते हैं, जिस दिन छुट्टी मिले उस दिन कर लो, तो भी हम अपना काम कर सकते हैं, औरों को धर्म के लिए प्रेरणा दे करके भी काम कर सकते हैं। बोलो। हाँ, अपने बीच में आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर अशोक कुमार जी वारसिनी जी अपना प्रश्न रखें, और अपनी बात भी रखना चाहें तो आराम से बात रखें। नहीं, मैं तो महाराज जी के दर्शन करने आया था, बहुत वर्षों के बाद दोबारा मिला था झारखंड में, महाराज जी ने पहचान भी लिया, मुझे भी ध्यान में आ गया, और मेरे मन में प्रश्न तो नहीं है, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, बिल्ट एरिया बढ़ रहा है, ये जो हरित एरिया है ये कम हो रहा है, तो वास्तव में आज आवश्यकता है सरकार के द्वारा, संगठनों के द्वारा और समाज के द्वारा कि हम हर व्यक्ति प्रतिदिन एक पेड़ लगाए, उसको कल्टीवेट करे और उसको बढ़ने तक उसकी चिंता करे। बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, फलदार पौधे लगाएं, कोई खुला स्थान मिले, कोई पीपल, बड़, गुलर ऐसे बड़े पेड़ भी लगाएं,
केवल छोटे पेड़ ना लगाएं, तो हम देखेंगे हर व्यक्ति के द्वारा किया गया छोटा छोटा प्रयत्न आगे चल करके इसका परिणाम मिलेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देश में मिलते हैं। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता हूँ कि व्यक्ति बीमार न पड़े, बिना दवा के ही स्वस्थ रहे। आरोग्य भारती उस संगठन का नाम है, मैं उसी का काम देखता हूँ। महाराज जी के दर्शन के लाभ करने के लिए आया था। महाराज जी को बहुत सुंदर। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन डॉक्टर वासनी जी का करें। ये जब बिहार के प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, बिहार और झारखंड, इनका अच्छे लोग जब अच्छा कार्य करते हैं तभी अच्छा परिणाम निकल कर आ पाता है। हम सभी लोग अच्छे कार्य के लिए तत्परता दिखाएं, आज देश को इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज से लगभग 20-25 दिन पूर्व जब मैं विदिशा में था तो मेरा ध्यान कुछ लोगों ने इस बात पर आकृष्ट किया था कि विश्व में पर्यावरण की जो समस्या है, इस समस्या के निवारण के लिए सारे संसार में 15 लाख करोड़ वृक्षों की आवश्यकता। इतने पेड़ लगेंगे तब कहीं हम इस पर्यावरण की शुद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे। तो मैंने सोचा छोटा सा ही सही, एक प्रयास तो हमारा होना चाहिए। आप सब लोगों का जन्मदिवस मनाने का बड़ा भाव होता, हम तो कभी जन्मदिवस मनाते नहीं और अपना असली जन्म मुनि व्रत को ही मानते। और आज आपने मनाया, आपको तो गुरुओं को याद करने का मौका चाहिए, जिस तरह से मिलता आप याद करते हैं। पर मैंने एक ही संदेश सबको दिया कि सच्चे अर्थों में आप अगर मेरे लिए कुछ देना चाहते हैं तो एक ही काम करो, इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को बचाने के लिए आगे आओ। और कल मैंने संदेश दिया था, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस संदेश को तो मैंने बाद में दिया, आज मेरे पास विजय शरावगी कोलकाता से आए थे, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और बड़े क्रियाशील कर्मठ युवा। मैं उसकी बात सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने आज मुझे कहा, महाराज जिस दिन आपने कहा था मेरे मन में आ गया था कि आपके जन्मदिवस के दिन मैं ये प्रण लूँगा और 1 लाख वृक्षों का रोपण करूँगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये, वो बड़े उद्योगपति हैं, आज उन्होंने सूचना दी कि अपने पूरे सिस्टम के हिसाब से पूरे बंगाल में 65,000 पेड़ लगा चुके और 35,000 पेड़ और लगाएंगे एक शख्स का। मैं आप सबसे प्रेरणा दे, अभी वो चले गए, उनकी आवश्यकता थी, सुबह कार्यक्रम में आए थे और अभी निकल गए, लेकिन एक बार ऐसे व्यक्ति का अभिनंदन होना ही चाहिए। इसकी शुरुआत की विदिशा के लोगों ने, पंकज जैन और विदिशा की पूरी टीम, जिला जैन समाज ने, और उसमें देवोदय आकाश भी जुड़े थे। आज मुझे खबर आई कि उन्होंने 5800 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा था, उससे ज़्यादा वृक्षारोपण जिले भर में एक दिन में हो गया। आज अभी जब विदिशा है, भोपाल में भी समाज ने संकल्प लिया और शुरुआत की, और आज यहाँ पर सैपुरा में भी अनेक वृक्ष लगाए गए और ऋषभ जी दिवाकर ने अपने तरफ से 1,000 पेड़ लगवाने का संकल्प लिया। ये एक छोटा संकल्प है लेकिन एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। शुरुआत कीजिए, हर व्यक्ति तय करे मैं इस पूरी सृष्टि को संभालने में अपना योगदान दूंगा और आगे बढ़ कर के कुछ काम करूंगा। मुझे अभी सूचना है, अभी 2 संकल्प और आप सबके बीच प्रकट होने वाले हैं। एक तो नरेंद्र टोंगिया आपके बीच अपना संकल्प रखेंगे और दूसरी ओर देवोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, ये दोनों अपनी बात आपके बीच रखेंगे। मैं समझता हूँ वार्ष्णेय जी का यहाँ आकर के अपनी बात कहना सार्थक होगा। 15 लाख करोड़ में
अगर भारत में 1,00,000 करोड़ भी लग जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और चूंकि आप सरकार से जुड़े हैं, संबद्ध हैं, एक प्रयास करें कि सामाजिक वानिकी, जिसकी आपने अभी वार्ता के दौरान चर्चा भी की, इसको बढ़ावा मिले। और इसको अगर सरकारी संरक्षण मिल जाए तो ये अभियान बहुत सार्थक होगा। आज से अभियान शुरू कीजिए। सब लोग विभिन्न माध्यमों से लोगों में एक जागरूकता का संदेश दीजिए कि हमें इस पूरे की पूरी धरती को बचाना है, और इसके लिए लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना है। परंतु ये पेड़ लगाकर व्हाट्सएप में फोटो डालकर रस्म पूरा करने के लिए नहीं, वृक्ष लगाइए, उनको संरक्षित भी कीजिए, उन्हें पल्लवित और पुष्पित कीजिए। और जैसा अभी बोला, ऐसे पेड़ ज़्यादा लगाइए जो छाया भी दे और फल भी दे। आज पक्षियों का अभाव हो रहा है क्योंकि उनके आधार खत्म हो रहे, कंक्रीटों का जंगल खड़ा हो रहा है। इन पर आप सबको ध्यान रखना चाहिए। छायादार और फलदार वृक्षों को प्रमुखता से आप लगाएं, उन्हें सींचें, उन्हें आगे बढ़ाएं, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी देन होगी। पुनः वार्ष्णेय साहब का अभिनंदन कीजिए। और मैं चाहूँगा इसके बाद क्रम से पहले नरेंद्र टोंगिया, जो गुणायतन के महत्वपूर्ण स्तंभ है, और वो अपनी बात यहाँ भोपाल के गुणायतन परिवार की ओर से कहना चाह रहे हैं। जितने भी गुणायतन से संबद्ध भोपाल के सदस्य हैं वो उनके साथ खड़े हो जाएं। भारिल साहब आप भी आ जाएं। और पूरे बिना अभी पूर्ण विमर्श नहीं हुआ, लेकिन इनने चर्चा में आकर के एक भाव अपना जगाया है, वे अपनी बात करें और उसके बाद प्रेमचंद जी प्रेमी अपनी बात करेंगे। बहुत सारे सदस्य मुझे दिख रहे हैं, वे सब इकट्ठे हो जाएं ताकि आपकी जिम्मेदारी बनी रहे। अपने अपने स्थान पर भी खड़े हो सकते हैं, हाँ। और यहाँ तक पहुँच जाएं तो बहुत अच्छा है। कैमरा घुमा देना, हाँ। महर्षि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज इतना पावन दिवस है, एक बार जोरदार तालियां। 58वें वर्ष वदन दिवस पर गुणायतन परिवार ये संकल्प लेता है कि हम 1,00,000 पेड़ छायादार और फलदार लगाएंगे और उसको पूरा संचित करेंगे। महाराज जी पूरा उसका ध्यान रखेंगे, उन 1,00,000 पेड़ों का। महाराज जी इस दिवस पे हम लोग 1,00,000 पेड़ लगाने का संकल्प ले ही रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी हम लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार अभिनंदन इनके संकल्प का कर दीजिए। बहुत बढ़िया, आप जरूर सहयोग करना है। हाँ, तो ये कैसे लगाएंगे, आपके ही दम पे तो लगाएंगे। इनने बीड़ा उठाया है, आपको पीछे आना है। भोपाल के लिए गुणायतन की जो टीम है, बड़ी समर्पित और सक्षम टीम है, एक्टिव टीम है। आप अभी देख रहे हैं हमारे प्रवास में, आप इनकी क्षमताओं का अच्छे से अनुभव कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो जरूर पूरा होगा। आप सबके बीच जाकर ये कार्य आप लोग करिए, लग जाइए, लग जाइए, लग जाइए। बोलिए। दयोदय महासंघ के अध्यक्ष और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक वे प्रेमचंद जी प्रेमी, वे भी अपनी बात रखें। मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। आज हमारे गुरुदेव का 58वां अवतरण दिवस है और इस अवतरण दिवस के अवसर पर गुरुदेव देवोदय महासंघ परिवार ने सभी देश की छोटी बड़ी गौशालाओं में लगभग 58,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। बहुत सुंदर, 58,000 पेड़ लगाने का संकल्प गौशालाओं में, गौशालाओं में, बहुत सुंदर, सभी गौशालाओं में। और जैसा वो आपके मार्गदर्शन में ही लगेंगे, और उस गौशाला में जो भी वो वाटिका के रूप में जो भी वृक्षारोपण होगा उसका नामकरण भी हम लोगों ने किया है। आज उसका नाम रखा जाएगा विद्या प्रमाण वाटिका। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छी बात है। वार्ष्णेय जी से मैं कहूँगा, परम पूज गुरुदेव के आशीर्वाद से देश भर में लगभग 154 गौशालाएँ कार्यरत है, जिसमें लगभग 1,00,000 से अधिक गोवंश संरक्षण पा रहे हैं।
और इन्होंने उन सब गौशालाओं में 58,000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है, गौशाला परिसर में। ये बहुत बड़ा संकल्प है, इनके लिए भी आपको जोरदार अभिनंदन करना। सभी गौशालाओं को देवोदय महासंघ वृक्ष उपलब्ध कराएगा। और गुरुदेव हमारे साथ में पशुपालन मंत्री जी के ओएसडी साहब हैं पीसी जैन, वो गौ सेवा के लिए कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने करी थी, वो बिल्कुल। पीसी जैन साहब को माइक दीजिए। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बस 2024 को गौ वंश रक्षा वर्ष घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2300 गौशालाएं हैं, उन 2300 गौशालाओं में सभी में वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलाया जाएगा और सभी गौशालाओं में पेड़ लगाए जाएंगे, जैसा कि आपके निर्देश हैं, फलदार वृक्ष के लिए प्रयास किया जाए, छायादार और फलदार। बहुत सुंदर। नमोस्तु। एक बार प्रकाश चंद जी का भी जोरदार अभिनंदन करो। मेरे पास एक पर्ची और आई है, सुबोध जैन अधीक्षण यंत्री वृक्ष अधिकारी नगर निगम, वो एक अच्छे भाव मेरे पास प्रकट किए हैं, पर मैं समझ रहा हूँ जो माइक उनके हाथ में, यदि सुबोध जैन वही हैं तो अपने मुख से अपनी घोषणा कर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग पूरे शहर में 100,000 वृक्ष लगा रहे हैं 6 जुलाई को, और उसमें ये है कि हम लोग पेड़ निःशुल्क दे रहे हैं, यदि कोई संगठन चाहता है सज्जन पेड़ प्लस गड्ढे भी करके देंगे, तो जिनको जितने पेड़ लगाना है हमारे पास पर्याप्त पेड़ है, और पूरे शहर में हम 100,000 पेड़ लगा रहे हैं। आप लोग जोरदार कार्य से सुबोध जी का। और सभी से अनुरोध है महाराज जी की 6 जुलाई को इसके समीप ही 1 किलोमीटर दूर कलिया स्रोत के पास हम लोग 5,000 पेड़ लगा रहे हैं, तो वहाँ हमने गड्ढे भी कर दिए हैं, पेड़ भी हैं। बहुत सुंदर। तो जो भी लोग चाहें तो एक पेड़ अपनी माँ के नाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, इस चैनल के माध्यम से पूरे 140 देशों में जो सुन रहे हैं और यहाँ पर भी जो उपस्थित हैं, वे अब जो भी पेड़ लगाएं, एक यानी सूचना आप लोग भिजवा दें, जो आपके स्क्रॉल पे नंबर चल रहे हैं उन पर, ताकि उनकी पूरी एक गणना हो जाए, और अगले वर्ष तक जैसा महाराज श्री ने टारगेट दिया है कि 1,00,000 करोड़ पेड़ यदि लग जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा भाव। ओ, सुनो, ये 1,00,000 करोड़ सुनो बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे भारत के 140 करोड़ लोग लग जाए तो धीरे 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 हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए पूरे भारत को लगना होगा और सरकार की पूरी मशीनरी को लगना होगा, इसलिए ये प्रयास सभी जारी रखें और अपने काम को करते रहें। जितना बन सके लघु प्रयास भी महत फल प्रदान करता है, शुरुआत धीमी ही सही जरूर करें। 58 वर्ष पहले हजारीबाग ग्राम में एक शिशु ने जन्म लिया और उस शिशु का नाम नवीन था। आज उन नवीन के लघु भ्राता अरविंद जी बिंदु जी सेठी यहाँ पर उपस्थित है हजारीबाग से, वे आए। आप लोग जोरदार तालियां, जब तक उनका सम्मान चलेगा तब तक तालियां। बंधुओं, वे नवीन से प्रमाण सागर बने और न केवल अपनी आत्मा का कल्याण किया लेकिन हम सबकी आत्माओं का भी कल्याण करने में आज लगे हुए हैं, और हारे को भी हिम्मत मिल जाती उनके चरणों में आते। उनके स्वागत के लिए मैं प्रेमचंद जी प्रेमी, हाँ, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है नरेंद्र जी टोंगिया, जो गुणायतन के मजबूत स्तंभ हैं, ये लोग आ जाए सभी। और यशवंत राजेंद्र जी भारिल अपने बीच में है, विकास जी गोदा गुणायतन राजेंद्र भारिल, ये भी शिरोमणि, राजेश जी भारिल, वे भी शिरोमणि संरक्षक हैं। जोरदार तालियां, यहाँ पे सम्मान की कड़ी चल रही है। और हाँ, सवाल श्रीमान दीप जी एवं श्रीमान और बिंदु जी, बिंदु भी ऐसे अनुरोध करूंगा, वे अपना प्रश्न भी, पूज्य महाराज श्री जी, जिनकी बिटिया लब्धी बहुत ही सुंदर प्रश्न बनाती है, वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में यहाँ पर रखें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज जिनके विवाह की वर्षगांठ, ऐसे शिरोमणि संरक्षक के रूप में पारस रश्मि जैन बांसा से अपने बीच में है, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी भी यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे। कहाँ दो पीछे, बिंदु भैया, उसके बाद में पारस रश्मि जैन तैयार रहे, सवाल नहीं उधर दो। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आज महाराज जी, मेरी शादी की दूसरी वर्षगांठ है, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपना आगे का जीवन और सफल बनाएं? देखो, हमारे यहाँ विवाह को धर्म विवाह कहा जाता है,
और विवाहित पत्नी विवाहिता पत्नी को धर्म पत्नी, तब विवाह के बाद अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का प्रयत्न करो, जीवन आगे बढ़ता जाएगा। एक क्वेश्चन और। हाँ एक और क्वेश्चन, एक तुम्हारी बुआ करेगी देव। चलो हाँ जल्दी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, दैमन राजो के चरणों में नमोस्तु, सभी चुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु। इच्छाएं महाराज जी, महाराज जी आज हमारे परिवार में, कल हमारे भाई साहब की और आज हमारे भतीजे की, दोनों की वर्षगांठ है, एक की 26 को और एक की 27 को, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारा परिवार समाज में भी एक मिसाल माना जाता है, लेकिन हम ये चाहते कि इन लोगों को ऐसा आप उद्बोधित करके कि जिससे ये लोग धर्म के रास्ते पर चलते रहें। जो ये लोग करते हैं वो ठीक है, लेकिन एक पक्की डोर बंद जाए कि अगर हम घर में व्रती हैं तो व्रतियों का सम्मान। एक ही लाइन कहूं कि जो तुम्हारी बहन जी कहते रहे वो करते रहो, अपने आप काम होता रहे। चलो आगे आगे। आज अपने इस सत्र में जस्टिस एन के जैन साहब, जस्टिस अभय जी गोयल और अतुल जी जैन जो पूर्व PCCF हैं, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं अपने प्रश्न। ऋषभ जी दिवाकर DJP, हाँ पूर्व DJP, वे भी यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने प्रश्न रख रहे हैं। हाँ एक साथ खड़े हो जाए, सभी एक साथ खड़े हो जाएं, और सुधीर भी अभी उनके साथ में है। अतुल, हाँ शंका समाधान की तो जब आवश्यकता होती है, जब कोई शंका हो। बहुत सुंदर, गुरुदेव के चरणों में आते ही सब शंकाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। मैं केवल उनको नमन, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हाँ हाँ बहुत, गुरुदेव के चरणों में और मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आज बहुत पावन दिन था वृक्ष लगाने का, पूरे देश में इस धरती को वृक्षों से आह्लादित करने का। हमने भी आज 58 वृक्ष 5 तरह के रोपित किए हैं, और ये कोशिश की है कि इस धरती को चमन करें। एक मेरा छोटा सा एक प्रश्न था गुरुदेव, मैं जब दिल्ली में था तो एक श्वेतांबर मुनि 13 पंथ के, वो मेरे संपर्क में हैं और हमेशा एक प्रश्न करते हैं कि जो हमारी भावी 24 है, भावी तीर्थंकर हैं आगामी, क्या उनको नमस्कार कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आज? तो मैंने उन्हें कहा कि नमस्कार तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न मैं गुरुवर से पूछ के ही आपको बता पाऊँगा। देखिए हम भाव से तो जब कहते हैं तो भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 को ध्यान रोज बोलते हैं, तो हम तो रोज पूछ सकते नहीं, रोज पूजते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं। हाँ दिवाकर साहब। आदरणीय गोयल साहब ने जो बात कही है, इस संदर्भ में मैं एक दोहा छोटा सा कहना चाहता हूँ, जो मैंने बचपन से अपने परम पूज्य दादाजी ताऊ जी पंडित सुमेर सिंह जी दिवाकर से सुना और उसे याद किया, और वो ये है, मुझे उम्मीद है कि इससे शंका का समाधान हो जाएगा, और वो ये है, तीन काल के जिनवरा, तीन काल के सिद्ध, तीन काल के मुनिवरा, बंदो लोक प्रसिद्ध, प्रिय 24 तीर्थंकर भगवान की जय। गुरुदेव मैं केवल इतना कहना चाहूँगा आपको नमन करते हुए, ये जो विभूतियाँ खड़ी थीं, ये विभूतियाँ पूरे भोपाल पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं और अनुशासन पर इनकी बड़ी कृपा रहती है, और इनके मार्गदर्शन में हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज में जाते हैं और जज बनते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जिस स्थान पर आप गुरुवर विराजमान हैं, ये सायपुरा का पवित्र क्षेत्र है और यहाँ की समाज भोपाल ही नहीं पूरे देश की अनूठी समाज है, जो बच्चियों के लिए बहुत बड़ा हॉस्टल केवल अपनी दम पर बना रही है और अपने आप में एक मिसाल खड़ी कर रही है। दो साल से बच्चियों को ये लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं। शाहपुरा हमारे कार्यक्रम में नहीं था, पर जब मैंने सुना, सुधीर ने बताया, महाराज ये लोग हॉस्टल चला रहे हैं और आगे के अभी चालू है, अभी लड़कियां रह रही है और आगे बना भी रहे हैं, तो हमने कहा आप कहीं से भी गुंजाइश निकालना चाहिए, और नेहरू नगर का एक सत्र कट करके हमने यहाँ दिया। एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए यहाँ की कमेटी का, और मैं पूरी कमेटी को आशीर्वाद देता हूँ कि आपने जो बीड़ा उठाया है
उसे अच्छे से पूरा करें। इस मंदिर की शुरुआत से मैं देख रहा हूँ और जब जब आया हूँ इसमें कुछ नया देखा हूँ, नया पाया। 1995 जब कुछ नहीं था तब भी हम यहाँ आए थे और आज हाँ हाँ बता रहे, अब ज़्यादा खोलो मत, कुछ नहीं था। और तब से अब तक जब जब यहाँ आए कुछ नया पाए हैं, आगे भी नया पाएंगे। ये यहाँ की कमेटी, और मुझे ध्यान है शुरू से दीप ही यहाँ के दीप स्तंभ बने हैं वो, हाँ। और संतोष जी आज भी वही चेहरे हैं, 25 साल से ज़्यादा तो मुझे देखते हो गए, ऐसे 35 साल तो ऐसे ही लगे रहे और आगे बढ़ते रहे। हाँ, गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु, पुदुमनि संघ को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आज आपने ये जो अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाने के लिए और प्रकृति प्रेम के लिए हम सबको जागृत किया और आशीर्वाद दिया, तो विभाग के, वन विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी के नाते मैं गुरुवर सभी पूरे मध्य प्रदेश के सभी समाज जन को, व्यक्ति जन को, जनमानस को बताना चाहूँगा कि वन विभाग के 174 नर्सरियों में प्रदेश के चप्पे चप्पे पर लगभग 6 से 7 करोड़ पौधे, उच्च गुणवत्ता के फलदार पौधे उपलब्ध हैं। और भोपाल के संबंध में ये बताना चाहूँगा गुरुवर कि हम लोगों ने यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की है कि 200 से 250 पौधे एक हमारे रेंज ऑफिसर हैं अहमदपुर नर्सरी में, उनको केवल आप मोबाइल पर सूचना देंगे तो वह 200 पौधे वो गंतव्य स्थल पर बिल्कुल परिवहन करा के उपलब्ध। तो ये जानकारी मैं व्हाट्सएप पे संबंधित मोबाइल नंबर आप लोगों को दे दूंगा और आपको केवल सूचना देनी है। उसमें शुल्क लगेगा गुरुवर, क्योंकि बाहर के पौधे 200, 250, 300 रुपए के होते हैं, बहुत ही नॉमिनल 14 रुपए में ये पौधे उपलब्ध होते हैं गुरुवर, लेकिन वो आपको स्थल पर जाके। बहुत सुंदर गुरुवर, अब एक मिनट बस, गुरुवर एक मिनट संक्षेप में सर दो लाइनें पहले कहूँगा, फिर बहुत संक्षिप्त सा प्रश्न है कि गुरुवर प्रमाण के आप सागर हो, गुरुवर प्रमाण के आप सागर हो और व्यक्तित्व आपका सागर जैसा अनुपम, अद्वितीय और विशाल है। कोई भी शंका नहीं टिकती आपके सामने, या कहें कैसी भी शंका हो जीवन के सामने, हर शंका के आप समाधान हो, हर संकल्प सागर। एक रंग से और आपके ओम बहुत लोग लगे हैं। गुरुवर फिर एक प्रश्न पूछिए, आप प्रश्न नहीं रखो, चलो नीरज आगे। नीरज जी सूत वाले जो आज गुणायतन परिवार से भी जुड़े हैं, आए और अपना प्रश्न रखें, उसके बाद में अपने बीच में सेवा और चिकित्सा दोनों से जुड़े दो मित्र हैं, एक प्रश्न करेंगे डॉक्टर राजेश जी और महेंद्र जी जैन। बोलो नीरज, सवाल है? चलिए एक बार इस परिवार का खड़े रहो, जोरदार अभिनंदन कर दो। ओ, ये वो परिवार है जो आज गुणायतन से तो ये लोग जुड़े ही, लेकिन ये वो परिवार है जिन्होंने आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के लिए कभी विशाल भूखंड प्रदान किया जिसमें आज संस्थान चल रहा है, और आगे भी ऐसी ही तत्परता बनाए रखे। एक बार इस परिवार का अभिनंदन जरूर करना चाहिए। बहुत सुंदर डॉक्टर राजेश जी, अपना प्रश्न पूज्य महाराज चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में देश के प्रख्यात पंडित जी, यहाँ भोपाल के अपने गौरव रतन चंद जी पंडित जी के सुपुत्र अनुपम पंडित जी यहाँ उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज जी बार-बार नमस्ते भी आप, और सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बड़ी मुबारकबाद, और जो साल भर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम आपने कल जो बोला है उसको हम लेकर इस मुहिम को साल भर चलेंगे। प्रश्न महाराज जी, चूंकि आप इतने अच्छे, सवाल जल्दी से बोलो। सवाल इतना है कि जहाँ इतने सारे आप मोटिवेशन के साथ इतनी सारी चीजें करते हैं, साधु टीचर भी होता है, प्रीचर भी होता है, सभी कुछ होता है, तो हमारा एक जरा सा एक समस्या है, हम चाहते हैं कि वो जो समस्या जो बैंक नीलामी तक पहुंची है वो आपके सानिध्य में सुधर सकती है। आप समाज के सबसे बड़े नेता भी हैं। अभी चलो ये समस्या है वो शंका समाधान की नहीं है, ये समस्या जहाँ से उत्पन्न हुई वहीं समाधान करो, आगे चलो। ओ बस एक ही अनुपम पंडित जी अपना प्रश्न रखते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनुपम को लो, फिर आना अगले में। अनुपम, समय कम बचा है, गाड़ी छोड़ने वाले हैं। जिस स्थान पर अपन सब बैठे हुए हैं ऐसी मुनि भक्त है, मुनि यहाँ के शाहपुरा की समाज कमेटी के साथ में अपना प्रश्न, कमेटी है उपस्थित अध्यक्ष मंत्री जी सभी, वे अपना प्रश्न एक प्रश्न रखेंगे पूरी कमेटी मिलकर। नमोस्तु महाराज जी, ये मेरे पापा जी की कर्मस्थली रही है, यहाँ पे करीब करीब 20 साल उन्होंने प्रवचन किया है, और
मेरा पंडित रतन चंद जी जैन साहब के, महाराज जी मेरा एक है, वैसे तो पूरा भोपाल जो है मुनि भक्त है, लेकिन कुछ जब आप आते तो एक अलग अट्रैक्शन होता है, ऐसे वीतरागी से एक अनुराग हो जाना, ये क्या कारण है महाराज जी? और दूसरा ये भी कि जिसको भी हम ले जाते हैं, मुझे भी मेरे पापा जी आपके पास ले गए, तो फर्स्ट साइट में जिसे बोलते हैं वो गलत हो जाएगा, लेकिन अट्रैक्ट कर लिया आपने, फर्स्ट साइट लव हो जाता है, वो है। प्लस हमारे महाराज जी जो गुणायतन के जो दूसरे लोग हैं, विकास हो, अजय भाई हो, उनको एक टेम्पटेशन होता है, लत लग गई है कि कहाँ महाराज जी के पास जा रहे हैं, तो सब लोग सब छोड़ छाड़ के कितना भी कष्ट सह के वहाँ पहुँच जाते हैं। महाराज जी आप कोई जादू टोना जानते हैं या अट्रैक्ट कर लेते हैं? मेरी समस्या सुनो, ये अनुराग कैसे होता है इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, पर अनुराग होने से क्या होता है इसका प्रमाण मैं हूं। समझ गया, गुरुदेव से अनुराग हुआ, मैं यहां पहुंच गया, समझ गए? थोड़ा प्रगाढ़ बना लो, नीचे से ऊपर आने की व्यवस्था बन सकती है, लक्ष्य यही रखना चाहिए। आगे सापुरा दिगंबर जैन समाज कमेटी अपना प्रश्न रख रही है, और उसके बाद में बंधुओं नई युवा जनरेशन में देखो क्या जुनून होता है, कल उसकी भक्ति हम सबको भी वहां तक खींच ले गई, और सिद्धार्थ लेक सिटी में जहाँ रात्रि विश्राम हुआ था, ऐसे मिनाल में जहाँ मिनाल रेजिडेंसी में जहाँ रात्रि विश्राम हुआ, मुकेश जी जैन उन्होंने अपनी ओर से स्वेच्छा से पूज्य महाराज श्री चरणों में कहा कि मुझे भी आप अपना कुछ ही अंश मेरा भी लग जाए उस गुणायतन में, और शिरोमणि संरक्षक के रूप में उन्होंने अपनी घोषणा की, इस छोटी सी उम्र में वे अपना प्रश्न रखेंगे। मुकेश जी जैन, हाँ इनके बाद एक सवाल आप लोग। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी इस मंदिर को बनाते बनाते पूर्णता की ओर हो गया है, अब मंदिर निर्माण के अलावा हम लोगों ने कुछ सोचा है, जैसे छात्रावास बनाया है, और ये अनुशासन जो हमारे पीएससी यूपीएससी की छात्राएं वहाँ रहती हैं और उनकी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, और नया छात्रावास बना रहे हैं। महाराज जी एक इसमें शंका ये भी है कि दान में सर्वश्रेष्ठ मंदिर को माना जाता है, कि मंदिर में दान देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसके अलावा दूसरे कार्यों में हम लोग ऐसे छात्रावास बनाते हैं, औषधालय खोलते हैं, इनमें भी क्या योगदान होना चाहिए, क्या लोगों को पुण्य मिलेगा? क्योंकि बॉस आपके बात समझ गया, ताकि उत्तर मैं दे पाऊँ, पहले तो मैं आप लोगों की इस बात की सराहना करूँगा कि आपके मन में ऐसा भाव आया कि मंदिर तो हो गया, हम कुछ और करें, नहीं तो लोग केवल एक ही काम में लगे रहते हैं। ये सब चीज़ें पारमार्थिक कार्य हैं और हमें ये सब धर्म प्रभावना का अंग मान करके करना चाहिए। दो दृष्टियां हैं, कुछ कार्य हम पुण्यवर्धन की दृष्टि से करते हैं और कुछ कार्य मानवीय भावनाओं से भर कर किए जाते हैं, हमें दोनों कार्य करते रहना चाहिए, और लोकोपकार के जितने भी कार्य हैं वो हमारे लिए बहुत अनुकरणीय, हमें उसे संपन्न करना चाहिए। सभी को आशीर्वाद, कल की सूचना मैं आज दे दूं, कल का पूरा दिन नेहरू नगर के लिए है, अभी परसों का नहीं बोलूँगा, दे दो राजेश को दे दो। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव आपने आज का दिन हमारा हमारा दिन था ये सायपुरा को दिया, तो कल का दिन तो हमारे पास है ही, परसों का दिन भी हमें चाहिए। हम अभी कुछ बोल थोड़ी रहे, कल का दिन तुम्हारा, कल सुबह का प्रवचन और शाम का संका समाधान नेहरू नगर में होगा, सभी उसके बाद चलो इनको सवाल करने दो। और इससे पहले कि मुकेश भाई सवाल करे, हम अपने समाज की इस होनहार युवा का जोरदार अभिनंदन करें, ये तीन भाई यहाँ हैं, मुकेश, हितेश और सुनील, सुनील शायद आए नहीं हैं, बहुत ही लगनशील और युवा उद्यमी हैं, कम उम्र में इन्होंने जो ऊंचाई पाई है वो दूसरों के लिए प्रेरणा है, एक बार इनका अभिनंदन कीजिए और वो सवाल कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि ऐसे वीतरागी से अनुराग होना बहुत बड़ी बात है, इतनी खुशी तो कभी हमें हमारे जन्मदिन पर नहीं हुई महाराज जी, जितनी आज हो रही है। और महाराज जी कल मिनाल में हमने प्रश्न पूछा था, पब्लिक इतनी ज्यादा थी तो उसका उत्तर नहीं सुन पाया था मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि इतनी कम उम्र में आपको कैसे दीक्षा, और आपने कैसे शुल्लक दीक्षा धारण करी, और इतना ज्ञान कैसे आपके पास, नॉलेज और पावर है, और
इतना कुछ है कि हम सबका जवाब आप इमीडिएटली दे देते हो महाराज जी? देखो, हम तो एक ही उत्तर देते हैं, कल भी वही उत्तर दिया था, आज भी वही उत्तर दूंगा। उम्र से कोई संबंध नहीं है, उमंग से संबंध होता है। हमारे अंदर उमंग होनी चाहिए, अगर छोटी उम्र में भी उमंग हो तो काम हो, और उस उमंग के साथ जिस पर गुरु कृपा पड़ जाए वो सब कुछ पा जाता है। नमोस्तु स्वामी। मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी आज हूँ वो गुरु कृपा के फल के रूप में मैं देखता हूँ। और एक बात जरूर है कि मेरे अंदर की उमंग सदैव बनी रही, आज भी है, सीखने की उमंग बनी रहती है, और वो उमंग हमें उत्साहित करती है। हर व्यक्ति को अपनी उमंग को जीवित रखनी चाहिए और उत्साहित होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। हितेश, यदि प्रशांत जी जैन मुंबई यहाँ पहुँच चुके हों तो वे भी अंदर आ जाएं और यहाँ अपना प्रश्न पूज्य महर्षि चरणों में रखें। ओ, शायद नहीं है। उन्नत परिवारों को अपने बच्चों को भविष्य के लिए क्या देना चाहिए महाराज श्री? अपने परिवार बच्चों को भविष्य के लिए संपत्ति दो या न दो, संस्कृति जरूर दो। नमोस्तु सर। उन्हें कार दो या न दो, संस्कार जरूर दो। अगर आपने अच्छे संस्कार और संस्कृति दे दी तो वे आपके विरासत को और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक युवा जो BHU से पढ़ रहा था, IIT कर रहा था, उसके पिता मेरे पास बैठे थे, वाराणसी में ही मैं था, और उस समय पिताजी कह रहे थे कि महाराज जी इन लोगों के लिए मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ और सब इनके लिए थोड़ी मेहनत करता हूँ ताकि ठीक हो जाए। बेटे ने जो बात कही, और एक संस्कारवान बच्चा क्या करता है वो बताऊँ, बोले पापा आप अब हमारे लिए चिंता मत करिए, महाराज जी इनसे कहिए कि हमारे लिए कोई चिंता न करे, आपने हमें पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, हम अपनी ज़िंदगी तो पूरी कर ही लेंगे, आपका भी निर्वाह कर सकते हैं, आपको जो करना है धर्म ध्यान के लिए कीजिए। और महाराज मैं आज आपके सामने इनसे कहता हूँ कि ये अपने जीते जी अपने बिल बनाए, उसमें हमारे लिए कुछ न दे, सारा दान कर दे तो हमें खुशी हो। ऐसे संस्कार अगर तुमने बच्चों को दे दी तो जीवन धन्य होगा। और आज वो लड़का एक अच्छी जॉब मिलने के बाद भी उसे छोड़ा और अपना बिजनेस कर रहा है और पिताजी के बिजनेस से चार कदम आगे बढ़ रहा है, ये उदाहरण दिया जा सकता है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर आगे चले। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी। बहुत सारे लोग हैं जो भावना योग का अनुभव, श्रीमान राजेश जी एक मिनट, भावना योग का अनुभव अपना शेयर करना चाहते हैं और वो दूसरों के लिए भी आदर्श बनेंगे। यहाँ दो लगभग 13-14 वर्षों से बादल जी जो हैं डीसी बादल, वे अपना शेयर, तो वो अपना दिनवाणी चैनल और पारस चैनल वाली टीम यहीं पे रहेगी। जो भी भावना योग का अपना अनुभव देना चाहते हैं वे लोग यहीं उपस्थित रहेंगे। बादल साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर वर्षों से एक्यूप्रेशर के माध्यम से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था हो तो लोग लाभान्वित हो सकते हैं। हाँ बादल राजेश भारियन जी को क्या बोलना है आपको? क्या बोलना राजेश भैया? आरती तैयार योग दिन में 2 बार करता हूँ और मुझे जो लाभ हुआ है वो सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी ओम, हाँ मेरी एक ग्रंथि जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं बहुत बड़ी हुई थी, उसका वजन लगभग 80 ग्राम था, वह भावना योग से 20 ग्राम तक आ गई। और रात्रि में मुझे 4 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था, एक बार रुकता हूँ। दूसरा, अभी अभी मैंने प्रयोग शुरू किया, मेरी कफ की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा थी, मैं दिन में 2 बार ये भावना बहाता हूँ कि मेरा बात पित्त और कफ है ये तीनों संतुलित हो जाएं, तो कफ की प्रकृति मेरी शांत हो गई बिल्कुल, अब कफ नहीं निकलता गले से मुंह से। दूसरा भावना ये है। तीसरा ये है कि मल विसर्जन में बहुत दिक्कत होती थी, वो भी अब इससे हमें बहुत शांति मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए भावना योग बहुत करना चाहिए, दिन में 2 बार तो मैं करता हूँ प्रतिदिन महाराज। हाँ राजेश, सभी से साधारण अनुरोध है
कि कहला महाराज श्री नेहरू नगर प्रवास पर रहेंगे, आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि प्रातः 5 बजे यहाँ से विहार करेंगे महाराज जी नेहरू नगर के लिए, आप सब लोग 5:30 बजे प्रातः विहार करेंगे, आप सब लोग नेहरू नगर में पधारे। और अभी रोली ने गुरुदेव एक कार्ड आपके जन्मदिन के अवसर पर बनाया है, रोली जल्दी आओ।